सत्येंद्र जैन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अब से कुछ देर पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। सत्येंद्र जैन के सारे कागज देखे हैं, ऐसा कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से। सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार हैं, कहना है अरविंद केजरीवाल का। राजनीति से प्रेरित बताया है उन्होंने इस गिरफ्तारी को। साफ तौर पर इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल इस बात को कई दफा दोहरा चुके हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, यह पूरा मामला फर्जी है। उन्होंने पंजाब की घटना का भी जिक्र किया, किस तरह से डॉक्टर विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया। बहरहाल सत्येंद्र जैन के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि कागज सारे देखे हैं, वो कट्टर ईमानदार हैं और ये पूरा मामला फर्जी है। इस गिरफ्तारी को उन्होंने राजनीति से प्रेरित करार दिया है। सत्येंद्र जैन पर गर्व है, कहना है अरविंद केजरीवाल का। ये झूठा मामला चलेगा नहीं और वो जल्द ही पाक साफ घोषित होंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को फर्जी करार दिया गया है। बहरहाल मामले को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। विरोधी दल लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार गिरफ्तारी के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो पार्टी जो दावा करती है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूरा मामला फर्जी है और राजनीति से प्रेरित उन्होंने इस गिरफ्तारी को भी बताया है। लेकिन इस बीच आपको अपडेट भी दे दें कि 9 जून तक कस्टडी में भेजा गया है सत्येंद्र जैन को। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दरअसल बीते दिन सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही विरोधी दल आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ निशाना भी साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त करती है और ना ही भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, ईमानदार सरकार है, कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। व्यक्तिगत रूप से सारे कागजात देखे हैं सत्येंद्र जैन के, अरविंद केजरीवाल ने बताया। और इस मुद्दे को लेकर और बातचीत के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, विरोधी दल लगातार उन पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वही बातें दोहराई हैं जो उन्होंने बीते दिन भी कही थी और साफ तौर पर इस गिरफ्तारी को जहां राजनीति से प्रेरित करार दिया तो पूरे मामले को उन्होंने फर्जी करार दिया है। क्या कुछ और कहा गया उनकी ओर से इस दौरान? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी हुई होती हुई जो है दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कागज़ जो है पूरी तरीके से देखे और सब कागज़ जो है ठीक थे, केस जो है पूरी तरीके से फर्जी है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ईमानदार है। आम आदमी पार्टी अगर बेईमान होती तो जो पंजाब में जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे उनके साथ जो किया था वो आज जो है आम आदमी पार्टी की सरकार करती हुई नजर नहीं आती। यानी सीधे तौर पर कहें कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो है वो आज जो है सीधे तौर पर देते हुए जो है नजर आ रहे थे। यानी जो सत्येंद्र जैन है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उनको जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में उनकी जिस तरीके से पेशी होती हुई नजर आई, 9 तारीख तक जो है उन्हें ईडी की जो रिमांड है वहां पर जो है भेज दिया गया, तो उसके बाद जो है दिल्ली के खुद मुख्यमंत्री जो है आते हैं और समर्थन कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए सत्येंद्र जैन ने काफी कुछ किया है, जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देखने को मिलता है वो सत्येंद्र जैन की ही जो है देन है।
तो ऐसे में सत्येंद्र जैन जो है ईमानदार व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कहने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। और बीजेपी को भी उन्होंने घेरा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये पूरे आरोप जो सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए गए हैं, गिरफ्तारी जो हुई है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और आम आदमी पार्टी भी यही लगातार कह रही है कि हिमाचल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उभरती हुई नजर आ रही थी, उसको रोकने के लिए जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ सत्येंद्र जैन के साथ नजर आ रही है इस पक्ष। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अब 9 जून तक कस्टडी में भेजा गया है सत्येंद्र जैन को, 2017 का यह पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ। अब किस तरह के सवाल हैं जिन्हें ईडी की तलाश है और जिसकी खातिर उन्हें कस्टडी में लिया गया है? देखिए, लगभग 4.81 करोड़ रुपए का ये पूरा जो है जो फ्रॉड है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कुछ शैल कंपनियां जो है वो बनाई गई थी और उन कंपनियों से जो कमाई हुई उनका इस्तेमाल जो है जमीन खरीदने के लिए किया गया था, इसको लेकर जानकारी चूंकि जो है नहीं मिल पा रही थी, इसलिए जो गिरफ्तारी है वो सत्येंद्र जैन की जो है की गई पीएमएलए एक्ट के तहत। यानी सीधे तौर पर कहें कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा जो है बढ़ती हुई नजर आए, उन पर जो है केस कहीं ना कहीं जो है और मजबूती के साथ किस तरीके से जो है बनाया जा सकता है, इसी को लेकर ईडी जो है अब आगे आने वाले समय में पूछताछ जो है करती हुई नजर आएंगी। ये भी पूछा जाएगा कि और किस इस तरह की जो शैल कंपनियां थी वो कौन कौन सी जो है बनाई गई, इनका जो धंधा था वो किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा था, क्या हवाला के जरिए भी पैसा जो है इन कंपनियों में आता हुआ नजर आता था। तो ये तमाम सवाल या निशान जो है वो ईडी के जो है निशाने पर जो है सब सत्येंद्र जैन जो पहुंचते हुए नजर आए हैं, तो उन पर जो है जो पूछते सवाल जो है वो उनसे पूछ जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मुश्किलें जो है हिमाचल चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि पूरी तरीके से हिमाचल में आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र जैन जो है सक्रिय नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा आरोप सत्येंद्र जैन पर लगता हुआ नजर आया, उनकी गिरफ्तारी होती हुई नजर आई है, पंजाब में हाल ही में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी वहां पर भी जो उनके स्वास्थ्य मंत्री थे उनके ऊपर कार्रवाई जो है होती हुई नजर आई थी, सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया था, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है खड़ी होती हुई नजर आएंगी। साफ तौर पर स्पर्श मुश्किलें जरूर खड़ी होती नजर आएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रही है और बीते दिन भी हिमाचल चुनाव के संदर्भ में इस बात का जिक्र किया गया था। हालांकि हम देख ये भी रहे हैं स्पर्श कि जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं उन्होंने कहा है कि ईडी ने कोई नया तथ्य पेश नहीं किया सुनवाई के दौरान, पुराने तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। अगर बात करें हिमाचल के चुनावों के संदर्भ में तो किस तरह का फर्क हिमाचल की राजनीति में इस गिरफ्तारी के बाद पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विरोधी दल हम देख रहे हैं कि लगातार इस पूरी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना जरूर साध रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति में जब भी इस प्रकार के आरोप या फिर किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो उनकी मुश्किलें जो है आगे आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आती है। राजनीति कहीं ना कहीं जो है प्रसेप्शन का खेल जो है कहा जाता है, और अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई दो राज्यों में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहाँ उनकी खुद की सरकार है एक तरफ, जहाँ जो कमीशन लेने का आरोप है वो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर लगता हुआ नजर आ रहा था, तो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री पर जो है जो पैसे के गबन का आरोप है या फिर कहें कि हवाला के जरिए जो पैसा था वो किस तरीके से आया उसका आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हिमाचल के चुनाव थे वहां पर जो है बढ़ाता हुआ नजर आएगा। याद होगा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने एक अपनी बड़ी टीम तैयार की और उसके बाद ये देखा गया कि बीजेपी ने उस पूरी टीम को ही जो है तोड़ लिया, तो ऐसे में निश्चित तौर पर मुश्किलें जो है आम आदमी पार्टी के समय जो साथ है वो बढ़ती हुई जो है ऑलरेडी नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है तो अब हिमाचल में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल के अगर हम प्रभारी की बात करते हैं दुर्गेश पाठक तो वो भी जो है राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव जो है लड़ने वाले हैं, तो वो जो है एक साइड में साइड जो है बिजी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंजिंग है कि वो किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का जो सामना है वो करती हुई नजर आएगी और पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आएगी। स्पर्श कहीं ना कहीं राहें आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए और साफ तौर पर इस गिरफ्तारी के बाद विरोधी दल और गंभीर तरीके से सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।